Assalamu alaikum, my students, we are going to discuss the chapter number 5, the magic show. So what is magic? Magic kya hai? Jadu. You may say that magic is a superstitious power and sometimes amazing techniques and tricks which are used by a person who is present in front of the people to inspire them with his skills. मैजिक जो है बेसिकली एक ऐसा, यानी कि आप ये समझ लें कि सलाहियतों का अपने इस्तेमाल है और एक कुछ ताकतें भी होती हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है लोगों को इंस्पायर करने के लिए जो सामने बैठा हुआ है। इसमें हाथ की सफाई भी, हैंड ट्रिक्स भी होती हैं, इसमें टेक्निक्स भी होती हैं, डिफरेंट डिजायर, मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स टू मेक अ ड्रामा इन फ्रंट ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों के सामने जो है उसको एक्सपोज करने के लिए एक समझे कि एक टेक्निक होती है। तो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैजिक शो। मैजिक शो है जो आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं जो गुजरी ऊपर। सो देयर इज अ मैजिक शो व्हिच इज बीइंग हेल्ड इन स्कूल। सो व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ, वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज फाइन फ्राइडे मॉर्निंग, ये एक सुहानी जुमे की सुबह थी। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, तमाम स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। तमाम तलबा एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल हैज अरेंज फॉर मैजिक शो, इसलिए कि स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने एक मैजिक शो, जादुई जो तमाशा है उसका इंतजाम किया है। वी आर एंक्शियसली, एंक्शियसली मीन्स बेचैनी से, बेसब्री से, बेकरारी से, वेटिंग फॉर द मैजिशियन। हम सब मैजिशियन के बड़ी बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं। सडनली द डोर ओपन्स, अचानक दरवाजा खुलता है एंड स्ट्रेंज लुकिंग मैन एंटर्स, और एक अजीबो गरीब हैयत वाला आदमी, अजीबो गरीब दिखने वाला आदमी अंदर दाखिल होता है। ही इज़ वेयरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट, उसने एक लंबा सिया कोट पहना है, अ हैट, एक टोपी, एंड इज होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, उसने हाथों में एक छड़ी थामी हुई है। लुक, देखो, ही इज अ मैजिशियन, ये वो जादूगर है। ही इज हेयर टू अम्यूज द स्कूल चिल्ड्रन विद हिज मैजिक ट्रिक्स। अम्यूज का मतलब होता है लुभाना, महजूस करना, तफरी फराम करना। ये यहाँ पे स्कूल के बच्चों को अपनी जो उसके जादुई कर्तव्य है उनसे महजूस करने के लिए मौजूद है। देयर इज अ बिग वुडन बॉक्स विद अ लिड ऑन इट, लिड कहते हैं ढकने को, एक बड़ा बक्सा है उसके ऊपर एक ढकना है। ऑन इट ही टेक्स ऑफ, हटा देता है, टेक्स ऑफ में रिमूव कर देता है ढकने को, इन फुल व्यू ऑफ द स्कूल, तमाम स्कूल के सामने, निगाहों के सामने, फुल व्यू स्कूल ऑफ द स्कूल, यानी कि तमाम स्कूल की निगाहों के सामने वो उस ढकने को हटा देता है। द हेल्पर ऑफ द मैजिशियन गेट्स इनटू द बॉक्स, जो उसका मददगार है, जो उसका हेल्पर है मैजिशियन का, जादूगर का, वो बॉक्स में चला जाता है उस डिब्बे में। द लिड इज पुट ऑन द बॉक्स, लिड जो है ढकना जो है बॉक्स पे रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है, एंड इट्स क्लोज्ड अगेन, वो दोबारा बंद कर दिया जाता है। द मैजिशियन हैज अ सॉ इन हिज हैंड, ये सॉ की मीनिंग है नाउन है आरी, जो कि आर्टिकल यूज होती है, टूल, ठीक है, विद टीट ऑन इट, आयरन का इनकी एक टूल होता है जिसपे दांत बने हुए होते हैं, आरी, उसके हाथ में एक आरी है। ही कट्स द वुडन बॉक्स इन द मिडल विद द सॉ, वो इसी आरी से उस बॉक्स को आधा आधा काट देता है। द बॉक्स इज कट इनटू टू पीसेस, वो डब्बा दो हिस्सों में तकसीम होके कट गया, कट के दो हिस्सों में तकसीम हो गया। द हेल्पर इज इन द बॉक्स, हेल्पर जो है उसका मददगार जो है उसका नाइफ जो है बॉक्स में ही है। द लिड इज रिमूव, ढकना हटाया जाता है। लो एंड बिहोल्ड, अच्छा लो एंड बिहोल्ड जो है ये एक्सप्रेशन है, सरप्राइज एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये इस मौके पर इस्तेमाल होता है, लो एंड बिहोल्ड, ठीक है, अचानक सरप्राइज हैराने के लिए। देखो, ओ हो, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, सडन एक्सप्रेशन होते हैं हैरानी के। द हेल्पर इज सेफ एंड साउंड, वो तो बिल्कुल खैर आफियत से है, सेफ एंड साउंड, खैर आफियत से हेल्पर जो है। द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स, हेल्पर बॉक्स से बाहर आता है। द होल स्कूल चीयर्स द मैजिशियन, चीयर्स का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग गुड विशेस, उसको दाद देता है तानिया बजा के, उसको दाद और तहसीन के नारे बुलंद होते हैं उसके लिए। ऑन इज क्लेवर ट्रिक, उसकी इस चालाक जो ट्रिक थी, जाहिर की एक ट्रिक थी ये हैंड की, तो वो उस पर ये तमाम स्कूल जो है उसको दाद देता है। थर्ड प्यारा है, व्हाट इज द मैजिशियन डूइंग नाउ, अब वो क्या कर रहा है, इज टेकिंग द हेड ऑफ हिज हेड, वो अपनी सर से टोपी उतार रहा है, शोइंग द हेड टू एवरीवन, वो हर एक को अपनी टोपी दिखा रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, बिल्कुल पूरे तौर पर खाली है। देयर इज नथिंग इन इट, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ही पुट्स द हैट ऑन हिज हेड, वो हैट दोबारा अपने सर पे पहन लेता है। ही टेक्स ऑफ इट अगेन, उसको दोबारा उतारता है। लो एंड बिहोल्ड, देखो, ओ हो, देयर इज अ विजन सेटिंग ऑन हिज हेड, उसके सर पे कबूतर बैठा हुआ है।
एवरीबडी चीयर्स, हर कोई दाद देता है. बहुत प्यारा है. वॉट इज द मेडिसिन डूइंग नाउ, मेडिसिन क्या कर रहा है, ही इज शोइंग हिज एम्प्टी पॉकेट टू एवरीबडी. वो हर एक को अपनी खाली जेब दिखा रहा है. ये बोरोज हैंडकरचीफ, बोरोज में होता है उधार लेना, उधार के तौर पे लेता है हैंडकरचीफ, रुमाल, एक रुमाल फ्रॉम वन ऑफ द ऑडियंस. ऑडियंस यानी कि जो हाजरीन है, जो सामीन है, जो नाजरीन है, जो सामने बैठे हैं, उनमें से एक से एक रुमाल उधार लेता है. ही पुट्स हैंडकरचीफ इन हिज पॉकेट एंड टेक्स इट आउट अगेन. तो वो दोबारा उस रुमाल को अपनी, यानी कि उस रुमाल को वो अपनी पॉकेट में, जेब में रख लेता है, उसको दोबारा बाहर निकालता है. लो एंड बिहोल्ड, देखो, देयर आर हैंडकरचीफ्स कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर अनदर. अब उसके जेब से एक के बाद एक करके रुमाल पे रुमाल निकले जा रहे हैं. एवरीवन चीयर्स द मैजिशियन, हर कोई उसको दाद देता है. व्हाट इज द मैजिशियन डूइंग नाउ, अब वो क्या कर रहा है. इज बॉर्निंग अ रिंग फ्रॉम समवन, अब वो किसी से एक रिंग, एक अंगूठी, एक छल्ला ले रहा है. ही पुट्स द रिंग ऑन हिज पाम, पाम मीन्स हथेली. वो छल्ले को अपनी हथेली पर रखता है. ही क्लोजेस हिज पाम एंड ओपन्स इट अगेन, वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और उसको दोबारा खोलता है. द रिंग हैज़ डिसअपीयर्ड, अंगूठी गायब हो चुकी है. द मैजिशियन हैज़ मैनी बॉक्सेस, मैजिशियन के पास बहुत से बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं. इनसाइड ईच अदर ऑल टाइट विद अ रोप, तमाम के तमाम जो है वो एक दूसरे से, मतलब रस्सी से बंधे हो. एक के अंदर एक डिब्बा है. लो एंड बिहोल्ड, देखो, द रिंग इज इन द इनर मोस्ट बॉक्स, जो सबसे अंदर वाला जो डिब्बा था वो रिंग उसके अंदर मौजूद है. द होल क्राउड चीयर्स एंड क्लैप्स फॉर द मैजिशियन, तमाम जो मजमा है वो दाद देता है और तालियां बजाता है उस जादूगर के लिए इस टेक्निक पे. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिस्कस्ड इट एंड रीड इट, वी हैव रेड इट आउट. सो द क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्लॉसरी एंड डिफरेंट एक्सरसाइजेस व्हिच हैव बीन गिवन in the end of the chapter will be inshallah discussed in another lecture to you. Okay, assalamu alaikum.